तो आज हम पढ़ेंगे ब्लास्टेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है और आपने इसको जहन के अंदर बिठाना है, ठीक है, कि ब्लास्टेस, क्योंकि जब आप फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या है कि अच्छी बात है। अच्छा, तो ब्लास्टिड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। इसके अंदर खास तौर पर जब आप पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस वगैरह के सारे प्रोसेस आप यहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि ये इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, ये समझ लें। और इसके अंदर खास तौर पर जो क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो आपकी जमीन के ऊपर जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो सारी की सारी इन्हीं की वजह से कर रही है, ठीक है, वो सारी की सारी इन्हीं की वजह से एग्जिस्ट कर रही है। वो क्यों, चले आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन तो पहले पौधे बनाते हैं, तो वो साथ में जो है कोरल रीफ वगैरह भी ऑक्सीजन दे रहे हैं, इतना कोई उसमें नहीं है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट आ रहे हैं वो प्लांट्स जो है आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं वो इसी की वजह से बनते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, इसको थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना, ठीक है। तो ब्लास्टिड क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, ऐसी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जिसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद हों, ठीक है, क्या मौजूद हों, पिगमेंट्स मौजूद हों। पिगमेंट्स आगे आपको पता चलेगा क्या होते हैं, जैसे आपने क्या डेफिनेशन में क्या लिखना है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज व्हिच कंटेन पिगमेंट एंड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल आर कॉल्ड ब्लास्टिड्स, ठीक है, ये ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, इसकी तीन टाइप है, लेकिन तीन ऑर्गेनेलीज हैं और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर पाई जाती हैं। और ऐसी ऑर्गेनेली हैं जिनको मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, मेम्ब्रेन ने बाउंड किया होता है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होते, अब वो तो बहुत ज्यादा यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी नहीं होते, लेकिन ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो मैं आपको बताया कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो है वो प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होती, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है कि पिगमेंट कोटेरेंट ऑर्गेनेलीज हैं एंड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ये मौजूद होंगी ब्लास्टिड, ठीक है। तीन टाइप्स हैं इसकी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, तीन टाइप्स हैं, हम इनको बारी बारी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है जी क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, ठीक है। अब देखें इसमें और माइटोकॉन्ड्रिया में दो बहुत बड़े फंक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े फंक्शन हो रहे होते हैं। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया वाला याद है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला याद है, तो क्या करना है के माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसमें देखिए आपको याद होगा कि उसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। रिस्पायरेशन क्या है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। तो वो ऑर्गेनिक फूड कहाँ से आता है, वो आता है जी क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है। तो ऑर्गेनिक क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। एक फूड बना रहा है, दूसरा फूड को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस कर रहा है। तो साइज की बात करते हैं, तो ये इसका साइज एंड शेप जो है दोनों वेरी करते हैं, सेल टू सेल, प्लांट टू प्लांट जो है वो वेरी करते हैं, तो आप स्पेसिफिक नहीं कह सकते। हाँ, डायमीटर जो है वो 4 से 6 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है, ठीक है, ये माइक्रोमीटर है, ठीक है, माइक्रोमीटर की रेंज के अंदर इसका डायमीटर होता है। अच्छा, अब इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो इसको खास बनाती है, तो मैंने आपको पहले कहा है कि क्लोरोफिल की मौजूदगी जो है वो इसे खास बनाती है, और क्लोरोफिल ही पिगमेंट है, ठीक है। जैसे हमने प्लास्टिड की बात की थी, तो प्लास्टिड का हमने पढ़ा कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, और साथ में क्या है कि और साथ में क्या है कि ये इसके अंदर पिगमेंट कंटेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगी, ठीक है, पिगमेंट कंटेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगी, तो उससे क्या होगा कि ये ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करेंगे, ठीक है। साथ में और भी पिगमेंट मौजूद होंगे, जैसे क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनॉइड्स वगैरह, वो सारी चीजें जो है मौजूद होंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से है। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पे देखें जी, आपको दो जो है वो ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन्स नजर आ रही है, मैं आपके सामने इधर ये देखें, एक ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो बाहर आपको मेम्ब्रेन दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे नजर आ रही है वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये ब्लैक कलर है, ये जो आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है ये आउटर मेम्ब्रेन है ऊपर, और इसके अंदर आपको ये वाली जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है ये कौन सी है, इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसकी जन की डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा,
डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर मौजूद होगा, यानी कि एक इनर मेम्ब्रेन होगी और दूसरी आउटर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसके अंदर आपको जो है कॉइन लाइक स्टेक्स मौजूद मिलेंगे इस तरह से, यानी कि इस तरह से सिक्के से मिलेंगे एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से सिक्के जो है वो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इस एक सिक्के को, इस एक कॉइन को क्या कहते हैं, थायलाकॉइड कहते हैं, ठीक है। इस एक सिक्के को क्या कहते हैं, थायलाकॉइड कहते हैं। ये याद रखना है कि इस एक सिक्के को क्या कहते हैं, थायलाकॉइड कहते हैं। और ये भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ही होता है, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है, एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं इस तरह से, जिस तरह ये आपको नजर आ रहे हैं। अब ये थायलाकॉइड मिलके एक पूरा का पूरा जो है वो पूरा एक बंडल बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पूरा एक बंडल नजर आ रहा है, देखिए पूरा बंडल नजर आ रहा है, तकरीबन 50 थायलाकॉइड ऊपर नीचे से मौजूद एक दूसरे के साथ जोड़कर क्या बनाते हैं, एक ग्रेनम बनाते हैं, ठीक है, एक ग्रेनम बनाते हैं। यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, एक क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं। एक को, एक स्टेक को, एक पूरे बंडल को क्या कहेंगे, ग्रेनम कहेंगे, और इन सब को इकट्ठा कर लें तो आप उसे कहेंगे ग्रेना, ठीक है। दूसरी एक तो मैंने आई और यूएस वाली बात बताई थी आपको कि किस तरह से आप जो है वो, यानी कि जिस लफ्ज़ के आखिर में यूएस आ रहा है, यूएस हटा के आई लगा दे तो वो जमा हो जाएगा। जिस तरह न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में यूएस लगा के आई लगा दे तो न्यूक्लियाई हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह न्यूक्लियोलस है तो न्यूक्लियोलाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है यू एम है, ठीक है, किसी के आखिर में यू एम आ रहा है, यू एम को हटाकर अगर आप ए लगा देंगे तो वो जमा हो जाएगा, ठीक है। यू एम को हटाकर अगर आप ए लगा देंगे तो वो जमा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ग्रेनम आखिर में यू एम आ रहा है, इसका मतलब है ए को कह रहे हैं। इसी तरह अगर यू एम को हटा के आप लगा देंगे ए तो वो जमा हो जाएगा, ग्रेना, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है ग्रेना, यू एम को हटा के आपने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, अब ये जमा का सीगा हो गया। इसका मतलब है ग्रेना से मुराद ये भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, और ये वाला भी, यानी कई सारे ग्रेनम मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो आपको सिक्का सा नजर आ रहा है, ये स्टेक है मटीरियल जो नजर आ रहा है, इस एग को क्या कहते हैं, थायलाकॉइड कहते हैं। काफी ज्यादा थायलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होते हैं, ऑल अबाउट 50 एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होते हैं, और वो क्या बना देते हैं, एक ग्रेनम बना देते हैं, और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई जो है वो ग्रेना मौजूद होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरग्रेना की, ठीक है, इसी बात करते हैं इंटरग्रेना की, और इसको लेमेला भी कहते हैं, यानी कि दो जो है, यानी कि एक ग्रेनम का स्टेक दूसरे ग्रेनम के स्टेक के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इसको कहते हैं इंटरग्रेना, इंटरग्रेना भी कहते हैं और लेमेला भी कहते हैं। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखें ये किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच है, तो इसको इंटरग्रेना भी कह सकते हैं, ठीक है। इंटरग्रेना मीन कि दो ग्रेना के दरमियान कनेक्शन है। तो ये था, ये जो थायलाकॉइड है यहाँ पे, इसमें इसके कुछ साइड यहाँ पे इसमें कनेक्टेड भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि लाइट रिएक्शन जो है, आप पढ़ेंगे आगे जाके, लाइट रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, लाइट रिएक्शन, ठीक है, जो सूरज की रोशनी है वो इन्हीं के ऊपर आके लगती है, ठीक है, इन्हीं के ऊपर आके लगती है सूरज की रोशनी, और क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन इसके अंदर होते हैं। अच्छा, अब ये जो स्टेक और ग्रेनम जिस मटेरियल के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, आपको वो जो हल्का सा ब्लू कलर पीछे बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। यानी कि अगर आपने, अगर आपके पास कस्टर बना हुआ हो, कस्टर के अंदर बादाम वगैरह पड़े हुए हो, तो वो बादाम वगैरह क्या है, ग्रेना है, थायलाकॉइड है, और वो जो कस्टर का मटेरियल है वो क्या है, स्ट्रोमा है, जिसके अंदर वो बादाम वगैरह पड़े हुए हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो मटेरियल जिसमें थायलाकॉइड और ग्रेना पड़े हुए हैं उसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन, दो किस्म की रिएक्शन होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। ये आप बड़ी ही डिटेल के साथ आके जो है वो वीडियो लेक्चर्स में या फिर जो है क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो रिएक्शन होते हैं, तो लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर होते हैं, थायलाकॉइड के अंदर होते हैं, जबकि जो के है
डार्क रिएक्शन वो होते हैं स्ट्रोमा के अंदर, फोटोसिंथेसिस के सारे प्रोसेस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे। और इसमें खास बात क्या है कि इसके अंदर आपको मिलेगी क्लोरोफिल वगैरह, ऑर्गेनेल्स मिलेंगी, ठीक है, ऑर्गेनेल्स मिलेंगी और सॉरी पिगमेंट्स हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है कि ये हैं पिगमेंट्स, ठीक है, ये क्या है पिगमेंट्स है। अच्छा क्लोरोफिल, इसके साथ बाकी मैंने कहा है कि ए बी और कैरोटीनॉइड्स वगैरह भी होते हैं। अच्छा डबल में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये भी पढ़ लिया हमने, ग्रेना भी पढ़ लिया, ग्रेना क्या होता है थैलाकॉइड भी पढ़ लिया और स्ट्रोमा भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं स्ट्रोमा के अंदर मौजूद प्रोटीन्स जी की, जो कि जो है उसी रिएक्शन के अंदर यानी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और साथ में देखें माइटोकांड्रिया की तरह इसके अंदर अपना राइबोसोम, अपने राइबोसोम और स्मॉल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो है वो मौजूद होता है। लाइट रिएक्शन होते हैं जी ग्रेनम के अंदर, थैलाकॉइड के अंदर, जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा के अंदर होते हैं, ठीक है। लाइट एंड डार्क रिएक्शन जो है वो किसके अंदर होगी, लाइट रिएक्शन होगा वो ग्रेनम जो है जाहिर सी बात है थैलाकॉइड का बना हुआ है, तो थैलाकॉइड के अंदर रिएक्शन होंगे कौन से, लाइट रिएक्शन, और जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा के अंदर होंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर अपना एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, सर्कुलर डीएनए स्मॉल जिसके जो है वो दोनों एंड आपस में इस तरह से बंधे हुए हों, ठीक है, इस तरह से बंधे हुए हों, इसको कहते हैं स्मॉल सर्कुलर डीएनए या एस एस डीएनए कहते हैं। स्मॉल सर्कुलर डीएनए मौजूद है और राइबोसोम भी मौजूद है। अब देखें ये अपनी प्रोटीन्स बना सकता है और साथ में क्या है कि ये भी क्या है एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, यानी कि ये भी खुद से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये खुद से डिवाइड हो सकती है क्योंकि इसके अंदर अपना डीएनए मौजूद है, अपने जो राइबोसोम्स हैं यानी कि अपनी प्रोटीन्स तो लाजमी ये बना सकती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर अपने डीएनए क्यों मौजूद है, यानी कि माइटोकांड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना डीएनए क्यों मौजूद है, किसी को इसका आंसर पता है तो वो बता सकता है, किसी को इसका आंसर पता है कि माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसी दो ऑर्गेनेल है जिनके अंदर अपना डीएनए मौजूद होता है, ऐसा क्यों, किसी को इसका आंसर पता है तो वो बता सकता है। शी विल बी वेरी ब्राइट स्टूडेंट। अगर आप लोगों को इसका आंसर, अच्छा हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन देखें डीएनए आ कैसे गया ना, इस बात तो ये है ना कि डीएनए क्यों इनके अंदर मौजूद है। चलिए इसका जवाब आपको लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़े नहीं, तो उसका जवाब आप सबको कैसे पता होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। एक थ्योरी है एवोल्यूशन की, आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर के अंदर। तो एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बियोसिस, और उसके अंदर क्या था कि ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया ये यूकेरियोटिक सेल जो है इसका हिस्सा नहीं थे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया ये हिस्सा नहीं थे प्रोकैरियोटिक सेल का, तो ये यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल ने खा लिया पहले माइटोकांड्रिया का, फिर क्लोरोप्लास्ट वाले सेल को खा लिया, दोनों उसके अंदर जो है वो सेव हो गए, जो अब क्योंकि वो दोनों सेल थे, माइटोकांड्रिया पहले एक सेल था कोई और क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल था, दोनों के अंदर अपना डीएनए मौजूद था, तो वो पहले से इसी तरह से मौजूद है और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं आपके पास एक यूकेरियोटिक सेल बना रहे हैं, ठीक है। ये आप जो है सेकेंड ईयर के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, बस ये है कि एक थ्योरी है उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि ये पहले क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया जो थे वो पहले सेल हुआ करते थे, अलग-अलग सेल हुआ करते थे, फिर ये आपस में कंबाइन हो गए हैं तभी इनके अंदर अपना डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। अब ये देखें इनकी डबल मेम्ब्रेन है, एक इनकी अपना सेल जो जाहिर सी बात है सेल थे ना पहले, एक इनकी अपनी मेम्ब्रेन है और दूसरी मेम्ब्रेन जब ये एंडोसाइटोसिस हुआ तो वो जो मेम्ब्रेन जिस मेम्ब्रेन ने एनगल्फ किया इनको वो भी इनके साथ आ गया, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन भी इसी वजह से मौजूद है, ये आप सेकंड ईयर के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। हाँ अब हम बढ़ते हैं जी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट, ठीक है।
क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि देखिए क्रोमो, क्रोम का मतलब ऐसा होता है कलर, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो कलरफुल पार्ट है, ठीक है, प्लांट के अंदर जो कलरफुल पार्ट है वो होता है क्रोमोप्लास्ट ऑर्गेनेल की वजह से होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपको नजर आ रहा है जी प्लांट के फूल जो नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं, अब देखें कुछ जो फल हैं वो पकने के बाद किसी और कलर के हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर देखें अब आम, केला, ठीक है, तो ये जो है पकने के बाद पीले हो जाते हैं, ठीक है, जबकि कच्चे होते हैं जो है वो ग्रीन होते हैं। इसी तरह आप जो सेब की बात करें तो अक्सर जो है वो रेड हो जाते हैं, कुछ जो है वो ग्रीनिश येलो कलर की भी होते हैं, डिफरेंट काइंड होते हैं, लेकिन पकने के बाद उनका कलर जो है थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अमरूद को देखें, वो पहले सख्त होता है फिर उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो डिफरेंट जो है वो फ्रूट जो है वो शुरू में क्या है कि पकने के बाद क्या हो जाता है उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो वो चेंज होने का मकसद क्या है कि उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो अब मकसद क्या है, यानी कि क्रोमोप्लास्ट की मौजूदगी का मकसद क्या है, हालांकि ये तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, दूसरा क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर दे रहा था प्लांट को वो तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो तो ये कर रहा है क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट की मौजूदगी का क्या फायदा, तो इसकी मौजूदगी का ये फायदा है कि ये पोलिनेशन के अंदर और सीड डिस्पर्सल में मदद देता है, ठीक है, पोलिनेशन के अंदर और सीड डिस्पर्सल के अंदर मदद करता है। पोलिनेशन क्या है कि फूल के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स वगैरह मौजूद होते हैं, आप जो आप फूल की शिकल खूबसूरत होगी, उसका कलर जो है अट्रैक्टिव होगा, तो वो जो इंसेक्ट्स हैं वो उड़ के इसके पास आएंगे, परिंदे वगैरह इसके पास आएंगे, ठीक है, वो इसका रस चूसेंगे और साथ में उनके पोलन जो है उनके साथ अटैच हो जाएंगे। अब ये किसी दूसरे अट्रैक्टिव फूल में जहाँ पे उसके अंदर क्या मौजूद है, क्रोमोप्लास्ट मौजूद है, वो अट्रैक्शन देगा, ये उधर से उड़कर उसके पास जाएंगे और उनके पोलन ग्रेन उनके ऊपर गिर जाएंगे, इसको पोलिनेशन का प्रोसेस कहते हैं, और वो गिर जाएंगे, वो पोलन ग्रेन जो है वो आपस में जो है वो आपस में गैमेट्स होते हैं, आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी और एक नया बीज बन जाएगा। इसी तरह सीड का डिस्पर्सल जो है वो भी हो सकता है, ठीक है, ऐसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। तो ये जो है कहाँ कहाँ फ्लावर्स और राइपेंड फ्रूट के अंदर आपको मिलेंगे क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, ठीक है, ये कलरलेस होती है, ठीक है, कलरलेस है, इसका जो है ना ही पोलिनेशन में कोई काम है, ना ही इसका फोटोसिंथेसिस के अंदर कोई रोल है। हाँ, इसकी शेप को देखें तो वो ट्रायंगुलर और ट्यूबुलर शेप भी होती है, कई और किसी और शेप की भी हो सकती है, ठीक है। तो कहाँ पे मौजूद है, अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर मौजूद है, ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर मौजूद है। और काम क्या है, ये फूड को स्टोर करता है, ठीक है, क्या करता है, फूड की स्टोरेज का काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तीन ऑर्गेनेल्स थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट थी जिसका आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, फिर क्रोमोप्लास्ट थी, फिर ल्यूकोप्लास्ट थी, इन दोनों का अंदर इतनी कोई डिटेल नहीं है, डिटेल ज्यादा क्लोरोप्लास्ट की थी जिसको मैंने आपको जो है काफी डिटेल से बताया, उम्मीद है आपको वो समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। कोई किस किस को इसका आंसर पता है कि व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, जल्दी से आंसर बताएं जी, व्हाई न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। अब इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, रानिया शाह ने काफी अच्छा जवाब दिया है, मुस्कान ने भी अच्छा जवाब दिया है, गुलरुख ने भी अच्छा जवाब दिया है, बाकी जी बाकी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे आंसर्स में, या फिर नलायकों की तरह पीछे बैठे रहेंगे। अच्छा एक मिनट में आपकी क्लास के अटेंडेंस ले लूं, जितना आप आंसर दें मैं आपकी क्लास की अटेंडेंस ले लेता हूं।
बायो की अटेंडेंस किसने शेयर कर दी है? मैंने अभी चेक किया, चलिए अच्छा किया स्टैंड कर दी। तो मुझे अब भी याद आया है कि मेरी जुबान थक क्यों गई है और उसकी वजह क्या है कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया और मेरी जुबान थक चुकी है बोल बोल के, क्योंकि ये मेरी दूसरी क्लास है। हाँ जी, मेजोरिटी लोगों ने बहुत जबरदस्त आंसर दिया है जी। कुछ ने कहा है कि डीएनए और क्रोमोसोम मौजूद है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। कुछ ने कहा है कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये भी बिल्कुल ठीक है। कुछ ने कहा है कि कंटेन जेनेटिक मटेरियल बिकॉज कंट्रोल ऑफ द फंक्शन, बिकॉज कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बिकॉज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज इन द सेल एंड कंट्रोल मेटाबॉलिक। सब ने जबरदस्त आंसर दिया है, बिल्कुल जबरदस्त आंसर दिया है। और ये आंसर जो सब ज्यादा दे रहे हैं कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनेल मौजूद है, ठीक है, तो सॉरी कोई भी सेल मौजूद है उसको कंट्रोल क्या कर रहा होता है, सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, आप ये ज्यादा सही से आंसर दे सकते हैं कि सेल को कंट्रोल न्यूक्लियस कर रहा होता है, यानी कि सेल विच इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ उसको न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा था। दैट इज व्हाई द न्यूक्लियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल। ठीक है, तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 के अंदर इसको जो है वो स्टडी किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 के अंदर इसको स्टडी किया था। और क्यों स्टडी कैसे कर लिया था, क्योंकि अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखें इस तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको न्यूक्लियस प्रोमिनेंट वो पोर्शन नजर आएगा। ठीक है, बाकी हो सकता है आपको नजर ना आए, तो न्यूक्लियस थोड़ा सा आपको इस तरह से नजर आएगा, तो उसको उससे नाम क्या दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक है, 10 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर होता है न्यूक्लियस अमूमन, ये एवरेज बताई जाती है। ठीक है, जरूरी नहीं है सारे के सारे जो है वो 10 माइक्रोमीटर हो, ये एवरेज बताई जाती है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज दैट इज अ कंट्रोल मैनेजर ऑफ डीएनए, या आप कंट्रोल मैनेजर ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, और जाहिर सी बात है सेल आपकी पूरी बॉडी बना रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका डीएनए जो है वो वैसे वैसे कोर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जो कि आपकी पूरी पूरी लाइफ को सस्टेन कर रहे होते हैं। और न्यूक्लियस डीएनए कहाँ पे मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होगी। कुछ सेल जो है उनके अंदर जस्ट एक सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है, उनको क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लियेट। ठीक है, क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लियेट कहते हैं। और कुछ के अंदर क्या है कि दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं ढाई न्यूक्लियेट। कुछ के अंदर तीन भी हो सकते हैं, ट्राई न्यूक्लियेट भी कह सकते हैं। और कुछ के अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं मल्टी न्यूक्लियेट। मोनोन्यूक्लियेट की एग्जाम्पल दूंगा, आपका जो न्यूरॉन सेल है इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। जबकि मल्टी न्यूक्लियेट की एग्जाम्पल दें तो आपका मसल जो है स्केलेटल मसल जो है, स्केलेटल मसल जो आपके पट्टे हैं, इनके अंदर मल्टी न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की। ठीक है, कि न्यूक्लियस किन किन चीजों का बना होता है, तो सबसे पहले है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लास्ट और क्रोमोसोम्स। ये वो पोर्शन है जिनसे जो है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस बना होता है, ये उसकी डिवीजन है, ये उसके पार्ट्स हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा न्यूक्लियस बना होता है। ठीक है, तो ये इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। और ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस जो है उसको बाउंड किया होता है मेम्ब्रेन ने। अब यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर डिफरेंस देखना चाहें तो उसमें देखें ट्रू और फॉल्स न्यूक्लियस का नाम आता है। अच्छा, थ्री और फोर समझ नहीं आया, मतलब ये है कि एक आपको ये समझ नहीं आया और फोर तो हम पढ़ेंगे ना अभी, ये फोर तो पार्ट्स पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरा और चौथा ये वाला। कंट्रोल मैनेजर से मुराद यही है कि सारी की सारी एक्टिविटीज जो है उससे आपका डीएनए और न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहे हैं। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, तो हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि आपके पूरे सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। सेल के अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, सेल कब डिवाइड होगा, कब डिवाइड नहीं होगा, कब खाएगा, कब नहीं खाएगा, वो सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि मोनो और मल्टी न्यूक्लियेट की बात करें तो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और काफी सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं।
ठीक है, काफी सारे ये न्यूक्लियस भी हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लियाइड, ये यूनि न्यूक्लियाइड या मोनो न्यूक्लियाइड हो गया, और इसको क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लियाइड कहते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ सेल के, फंक्शन के हिसाब से डिपेंड करेंगे न्यूक्लियस के। और दूसरा साइज भी मैटर करता है, अगर सेल का साइज काफी बड़ा हो तो उसके अंदर न्यूक्लियस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े सेल को न्यूक्लियस अकेले कंट्रोल नहीं कर सकता, तो अब डेफिनेटली उसका साइज जो है वो बड़ा करना पड़ेगा और उसके अंदर न्यूक्लियस ज्यादा करने पड़ेगा, ठीक है। मिसाल के तौर देखें, नर्वस सिस्टम भी ज्यादा काम करते हैं लेकिन उनके अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि स्केलेटल मसल जो है उससे कम काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस मौजूद है, क्योंकि स्केलेटल मसल जो है वो काफी लंबा होता है, ठीक है, काफी लंबा और काफी बड़ा होता है इस तरह से, तो उसके अंदर ये साइडों के ऊपर इस तरह से न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है, साइडों से इस तरह न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बात कर रहे थे डबल मेम्ब्रेन, हाँ, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेन डिफरेंस यही है कि एक में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है और एक में होता है फास्ट न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस और फास्ट न्यूक्लियस में क्या मुराद है, अगर मैं आपके सामने इधर ड्रा करूँ स्ट्रक्चर एक किसका, प्रोकैरियोट सेल का और एक यूकैरियोटिक सेल का, तो ये आपके पास है यूकैरियोटिक सेल और उसके अंदर आपको सेंटर में न्यूक्लियस इस तरह से मिलेगा, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। जबकि जब आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो उसके अंदर आपको न्यूक्लियस किस तरह से मिलेगा, इस तरह से जो डीएनए है वो इस तरह से पड़ा होगा, ठीक है, जस्ट डीएनए पड़ा हुआ है, साथ में हो सकता है प्रोटीन वगैरह मौजूद हो। तो दोनों में फर्क क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती प्रोकैरियोट के अंदर, जबकि ये मौजूद होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है, दोनों में फर्क यही है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती है यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होती है। और अब हम बात करते हैं, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रा करूं, ठीक है, ये न्यूक्लियस आ गया और ये इस तरह से, अच्छा अब जो है दूसरी मेम्ब्रेन में ड्रा करता हूं, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन आ गई इसकी, अब मैं ड्रा करता हूं इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन को ड्रा करते हैं इस कलर से। तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है जो इधर आ रही है वो सीधी कंटीन्यूअस होती है राइबोसोम के, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो कंटीन्यूअस होगी इस तरह से, यानी कि ये मेम्ब्रेन आ रही है, ठीक है, और ये सीधा कंटीन्यूअस होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो अंदरूनी जो इनर मेम्ब्रेन है वो सेल के पोर्शन जो है, जो क्रोमोसोम्स वगैरह हैं उनको क्या कर रही है, उनको कंट्रोल वगैरह, उनको सेपरेट कर रही है बाहर के एनवायरनमेंट से, जबकि बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, वो सीधा कंटीन्यूअस है किसके साथ, वो कंटीन्यूअस है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, क्या मौजूद होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स मौजूद है इसके अंदर, हल्के हल्के आपको इस तरह से सुराख नजर आएंगे न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर। उसकी वजह क्या है, सेल के अंदर जो भी चीजें जाएंगी या जिनके मटेरियल एक्सचेंज जो है सेल के अंदर किसी चीज ने जाना है या किसी चीज ने बाहर निकलना है, मिसाल के तौर पर मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं, जब ट्रांसक्रिप्शन होती है मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से तो वो सेल से बाहर आता है, तो वो बाहर किस तरह से आएगा, वो इन पोर्स के जरिए बाहर आएगा। इसी तरह नए चीजें जो बनती हैं वो भी यहीं से बाहर आएंगी, इसी तरह को सेल के अंदर किसी चीज ने, न्यूक्लियस के अंदर किसी चीज ने जाना है तो वो भी इनको अंदर से, इनके अंदर से जाएंगे, और इन सुराखों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये भी आपको समझ आ गया होगा, और इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। आउटर जो लेयर है वो सीधा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटीन्यूअस होती है, यहां से आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से आपको नजर आ रहा है। अब जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन उसने अंदर वाले मटेरियल को कवर किया होता है, ठीक है, उसने अंदर वाले मटेरियल को कवर किया होता है, यानी कि अगर मैं इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रा करूं, यहां से मैं जो है उसे फिल कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं उसे फिल करूं तो ये इनर मेम्ब्रेन अंदर आ गई, ये जो है अंदर क्या आ गई, इनर मेम्ब्रेन आ गई जो कि मौजूद है इधर अंदर, ठीक है, ये जो आ गई इनर मेम्ब्रेन, ये रेड कलर की आपको नजर आ रही है, यानी कि आपने उसे काटा ना तो आपको अंदर से इनर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। अब ये क्या कर रही है, ये
कवर कर रही है सेल के अंदरूनी मटीरियल को, ठीक है, ये सेल के अंदरूनी मटीरियल को कवर कर रही है। अच्छा, अब बात करते हैं बाहर वाले मेम्ब्रेन की। तो ये पोर जो है किस तरह से मौजूद होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं आपके सामने ड्रा करूं ना, ये इस तरह से ये पोर आ गया, ये आप ऊपर से देख रहे हैं पोर को सामने से, और इसके आसपास जो है बाकी पोर की शेप किस तरह से होती है वो बता रहा हूँ। तो पोर की शेप जो है वो इस तरह से होती है जिससे आपके पास फूल होता है, ठीक है, इस तरह से एक पोर होता है और ये इस तरह से समझ लें, ठीक है, देखिए आपको ट्यूब सी नजर आ रही है ना, ठीक है, ये ट्यूब सी क्या है, ये ट्यूब सी न्यूक्लियस से बाहर निकली होती है इस तरह से, और ये जो है ये जो आपको अंदरूनी पोर्शन नजर आ रहा है ये बेसिकली क्या है, यहाँ से चीजें अंदर और बाहर जाती हैं यहाँ से, ठीक है, ये अंदरूनी जो पोर्शन है यहाँ से चीजें अंदर और बाहर जाती हैं, ठीक है, अंदर और बाहर जाती हैं, तो इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये जो आपको हल्का के जो मैंने सुराख बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है, और ये किस लिए होते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, हाफ दी एक्सचेंज ऑफ मटीरियल के लिए होते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, सेल के अंदर क्या है कि एक डार्क स्टैंड बॉडी है, स्टैंड बॉडी से मुराद ये है, अब देखें स्टैंड बॉडी का नाम उसने जिक्र कर दिया है, मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था जो स्टैनिंग टेक्निक होती है, ठीक है, स्टैनिंग टेक्निक, उसके अंदर क्या होता है कि जब स्टेन डालते हैं चेक करने के लिए सेल की स्टडी, तो न्यूक्लियस के अंदर एक पोर्शन बहुत ज्यादा विजिबल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क स्टेन होता है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैं आपके सामने ये न्यूक्लियस ड्रा करूं, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही एक छोटा सा रीजन बहुत ज्यादा जो है वो डार्क नजर आ रहा होता है इस तरह से, ठीक है, यानी कि ये रीजन जो है आपको इस तरह से नजर आएगा, और कभी कभी ये बहुत ज्यादा नजर आएंगे, ठीक है, एक भी नजर आ सकता है, कई भी नजर आ सकते हैं, और इन रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, इन रीजन्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन होते हैं इनके अंदर, इनके साथ कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। देखिए अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कैसा होता है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि जो डीएनए है, जो डीएनए है वो इस तरह से पड़ा होता है, ठीक है, 10 स्ट्रैंड जो हैं, 10 स्ट्रैंड वो इस तरह से इसके अंदर गए होते हैं, 10 न्यूक्लियस स्ट्रैंड जो है वो इसके अंदर गए होते हैं, और ये अंदर जाके क्या होते हैं, इसके अंदर आरडीएनए, ठीक है, राइबोसोमल डीएनए जो है, राइबोसोमल डीएनए कौन सा डीएनए होता है, जो कि राइबोसोम की सिंथेसिस करता है, ठीक है, राइबोसोम की सिंथेसिस। अब ये जो अंदर वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली क्या है, ये है न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, और इस रीजन के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं, राइबोसोमल आरएनए बन के वो क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं, ठीक है, यानी के न्यूक्लियोलस इज द पावर फैक्ट्री, इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या बनाएंगे, राइबोसोम्स बनाएंगे, डीएनए जो जो डीएनए है ना, आर डीएनए, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, आर डीएनए, इसकी रीडिंग होगी तो राइबोसोमल आरएनए बनेगा, राइबोसोमल आरएनए से क्या बनेगा, राइबोसोम्स बनेंगे, ठीक है, तो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी मौजूद हो सकता है और कई न्यूक्लियोलस भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है, एक न्यूक्लियोलस भी मौजूद हो सकता है और कई न्यूक्लियोलस भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी इसकी रीजन की, तो उसके दो रीजन्स होते हैं, ठीक है, इसके दो रीजन होते हैं, एक होता है पेरीफेरल ग्रेनुलर एरिया, पेरीफेरल कहते हैं साइडो वाला, ठीक है, साइडो वाला, तो वहां पे क्या है, राइबोसोमल यूनिट जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्रीकर्सर राइबोसोमल यूनिट, प्रीकर्सर कहते हैं जब जो बाद में जाके राइबोसोम बना देंगे, ठीक है, अब राइबोसोम से पहले वाली स्टेज की बात करें उसको प्रीकर्सर कहते हैं, प्रीकर्सर जो पहले आता है, ठीक है, तो पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया के अंदर क्या चीज मौजूद होगी, प्रीकर्सर राइबोसोमल यूनिट मौजूद होंगे, जबकि सेंट्रल एरिया के अंदर क्या मौजूद होगा, जो है लार्ज, उसको कहते हैं सेंट्रल फेब्रल एरिया, और उसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाले आरएनए और राइबोसोमल डीएनए मौजूद होगा, जिनकी जो है रीडिंग वगैरह हो रही होगी, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोलस का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट, ठीक है,
न्यूक्लियोप्लास्ट, ये यही समझ लें कि न्यूक्लियस के अंदर जिस तरह सेल के अंदर साइटोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं। ये एक क्लाइडल मिक्सचर है, ठीक है, जो कि सोल और जेल का बना होता है, आपको पता है, ठीक है। तो क्लाइडल मिक्सचर है, इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट और आयन वगैरह सब कुछ मौजूद होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट एंड आयन सब कुछ मौजूद होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्रोमेटिन लटका हुआ होता है, ठीक है। यानी कि लटका हुआ समाधि है कि आप पानी एक बर्तन के अंदर पानी डालें और उसमें धागा डाल दें, धागा ऊपर तैरता रहेगा। इस तरह से जो पानी जो है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लास्ट बना गया, ठीक है। और इसका काम क्या है, स्टोरेज प्लेस है फॉर एंजाइम्स, ठीक है। डीएनए रिप्लिकेशन के लिए रॉ मटेरियल जो है उसको स्टोर करता है, और सिंथेसिस ऑफ आरएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, ये भी आप सेकंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। डीएनए रिप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इनके लिए जो चीजें दरकार होती हैं, एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह, वो सारी की सारी न्यूक्लियोप्लास्ट जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, आपने क्यों नहीं पढ़ा, क्या मतलब, मुझे इसकी समझ नहीं आई। आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पढ़ा आपने, तो न्यूक्लियर पोर कहां से पढ़ लिया फिर आपने। अच्छा, तो ये था न्यूक्लियोप्लाज्म, आपको उम्मीद है इसकी समझ आई होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट लास्ट पोर्शन है क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे देखें जी, ये इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह से क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी के, आपके सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान नजर आएंगे, ठीक है। सेल डिवीजन